हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल आईआईटी बॉय गेमिंग में स्वागत है। ये देखिए, टाउन हॉल 8 का बेस है और हमारी आर्मी है टाउन हॉल 7 की। हम इस बेस की बत्ती गुल कर देंगे। तो अटैक देखिए, स्टार्ट करते हैं। अब वॉल ब्रेकर का यूज़ हमें बिल्कुल नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। वॉल ब्रेकर से आपकी आर्मी कमज़ोर होती है, आपके आने के चांस बढ़ जाते हैं। तो दो कैनन के वो लीजिए, मतलब जाइंट और 6 जाइंट और 9 कैनन, और उन्हें अलग अलग थोड़ा मतलब साइड बाय साइड एक जगह करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, बम बम फूट के सारे कैनन एक साथ मर जाएगी। आपको इस आर्मी का सबसे मुख्य बात ध्यान रखनी है कि कैनन को पीछे रखना है जाइंट के और उनको सेव करना। कैनन जितने ज़्यादा समय जिंदा रहेंगे आपके जीतने के चांस उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। यस, कैनन के बैकअप में सपोर्ट में कैनन हम एक और कैनन डाल सकते हैं, लेकिन कोई इशू नहीं। और जॉइंट को हम एक साथ नहीं डालेंगे क्योंकि जॉइंट अगर इसके अंडर में आ गए तो दिक्कत हो जाएगी। यस, ये जॉइंट को बहुत ज़्यादा डैमेज देते हैं, इसलिए वगैरह वगैरह हमारा किंग आराम से अपना काम कर रहा है। जॉइंट इसके अंडर आए वैसे ही मर जाएंगे। अब हमारी कैनन का काम शुरू हो, ये देखिए वो जॉइंट में लगे पड़े हैं और हमारी कैनन ने बत्तियाँ गुल कर दी। कुछ बचा ही नहीं है इस आर्मी में, इस बेस में, सॉरी आर्मी ने तो इस बेस बत्ती गुल कर दी। 4 कैनन है और कुछ नहीं। और सबसे बड़ी बात, सारे जो भी डिफेंस है उनका ध्यान है किंग पे। किंग वार से रहा है और कैनन डिस्ट्रॉय कर रही है। तो यही है, आपको इनको आगे रखना है, किंग को, जाइंट को और कैनन को पीछे रखना है। कैनन को जितना ज़्यादा समय मिलेगा रहने के लिए वो उतना ही ज़्यादा डैमेज देंगे और बेस को डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसलिए आप इस आर्मी का यूज़ कीजिए। इस टाउन हॉल 7 का बेस है मेरा और 7 की ही आर्मी है, बल्कि किंग अभी कंप्लीट नहीं है, 8 का ही है। फिर भी टाउन हॉल 8 को डिस्ट्रॉय कर दिया 3 स्टार। व्हाट ए आर्मी। प्लीज़ इस आर्मी को चूज करें, खेलें। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।